That is very important. Here, manufacturing industries. Manufacturing industries. Okay, students, as we know, there are three sectors of the economy. Before discussing this point, we have to start it from the outset. Now, first of all, we discuss how many sectors are there in economy. Students, देखो हम लोग यहाँ पर जैसे discuss करते हैं तो यहाँ पर हमारे तीन sectors होते हैं. जैसे आप जानते ही हो कि पहला sector होता है primary sector. Primary sectors are those which include the raw material or without any processing which we use, that is called primary sector economy. Like raw material from agriculture, mining, dairy, milk, अगर हम direct sell कर रहे हैं तो वो भी हमारा एक primary हो जाता है sector. Agriculture, all these are primary sector industries. Okay? यहाँ पर we use directly raw material from the nature without any processing. यहाँ पर कोई processing नहीं होती. That is called primary sector. Okay? तो इसमें example में आप agriculture को समझ सकते हो. ठीक है, एग्रीकल्चर को हमने यहां पर ले लिया, दैट इज प्राइमरी सेक्टर. बट नेक्स्ट इज सेकेंडरी. ओके, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज प्रोसेसिंग. हियर वी टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड स्टार्ट प्रोसेसिंग एंड एड द वैल्यूज एंड प्रोड्यूस ए फाइनल और फिनिश्ड प्रोडक्ट देयर. And that is called our finished product, and it comes under the secondary sector. Okay, and industries are coming. Okay, and all manufacturing sectors are also coming under it. इसके अंदर में हमारे secondary sectors भी आते हैं. Clear? Now the next is tertiary. Tertiary sector. Tertiary sector, in this all services are included, like transportation, insurance, medical services, all these are communication, all these are included here for tertiary sector. Getting it clear? So here the point of discussion is manufacturing sector, and that comes under the secondary sector. Okay? सेकेंडरी सेक्टर में ही हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं. नाउ वी स्टार्टेड हियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ये तो आपको क्लियर हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारी सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं. नाउ वी स्टार्टेड हाउ व्हाई द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट. बिफोर डिस्कसिंग दिस इट्स इंपॉर्टेंस we must understand the manufacturing here and industries in a separate way. हमें यहाँ पर इसे manufacturing को और industries को अलग अलग तरीके से समझना होगा. ठीक है, तो पहले हम manufacturing को देखते हैं कि manufacturing है क्या. manufacturing process in which we take the raw material and process it with a particular procedure and produce a finished good. And that is called manufacturing. Manufacturing is a relative term, no doubt. कोई भी एक raw, जो भी हम एक finished good बनाते हैं, हो सकता है वो किसी अगली industry के लिए वो एक raw material हो. तो ये एक relative term है, absolute नहीं है, क्योंकि आप किसी भी चीज को एक final product नहीं कर सकते. वो कहीं ना कहीं utilize हो सकता है. Wheat, flour industry के लिए raw material है. Flour, bread के लिए raw material है. Bread बर्गर के लिए रॉ मटेरियल है. सो दिस वे ऑल दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, दीज आर रिलेटिव टर्म्स. तो आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है. हम इसमें वैल्यू ऐड करते हैं रॉ मटेरियल में और एक फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पर स्टूडेंट, इंडस्ट्रीज से मतलब ये है व्हेन वी यूटिलाइज
टेक्नोलॉजी मैन पावर एंड स्किल आल्सो देयर एंड प्रोड्यूस इन अ ह्यूज क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ मशीनरी दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रीज। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमने आज इसको आप टॉपिक को स्टार्ट किया है। इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर अभी हम लोग यहां पर देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस यहां पर मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा होता है, एज इट गिव्स अ बूस्ट टू द प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर बोथ। दैट इज व्हाई द सेकेंडरी सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री को, इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है, उसके प्राइमरी सेक्टर को भी बूस्ट करना है, उसके टर्शियरी सेक्टर को भी बूस्ट करना है, तो हमें सबसे पहले सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस करना होगा। और सेकेंडरी सेक्टर अगर रहेगा तभी हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमी, नेशनल इनकम भी ग्रो हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सबसे पहला बेनिफिट है इसका, वो है यहाँ पर नेशनल इनकम में ग्रोथ होती है। नेशनल इनकम जो होती है ओवरऑल, इसमें हमारे ग्रोथ आती है। सेकेंड, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होते हैं, इससे हमारा एक ट्रेड बैलेंस मेंटेन होता है। ट्रेड बैलेंस आप समझ ही रहे होंगे, व्हाट इज ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस में व्हेन ए कंट्री एक्सपोर्ट्स मैक्सिमम एंड इंपोर्ट मिनिमम, दैट इज कॉल्ड ट्रेड बैलेंस। अगर कंट्री का ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और मिनिमम इंपोर्ट कर रहे हैं हम अपने पास, तो इससे हमारे पास बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन होगा और ऐसे ही हम अपने कंट्री की ग्रोथ और बढ़ा सकते हैं। लेकिन हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी इन क्वालिटी एज पार विद द इंटरनेशनल नॉर्म्स। हमें इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही इसको प्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिटिवनेस में आएंगे, आज पूरा वर्ल्ड एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पे वर्क करता है, तो अगर हम उस लेवल पे प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो शायद हम कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए हमें इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है, साथ ही साथ उसमें क्वालिटी को भी बहुत बढ़ाना होगा। सो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में ये हम इसको इंट्रोड के फॉर्म में ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और डेप्थ में क्लास में चल करके इसको बहुत बेहतर तरीके से और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम इसके फैक्टर्स, लोकेशन ट्रायंगल, जिसको कि अल्फ्रेड वेबर ने दिया है, जो कि शायद बुक्स में अब तो नहीं सिलेबस में दिया गया, फिर भी हम इसको समझाएंगे, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो कि आज हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, वो आपको हम बेहतर तरीके से समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे साथ निर्मला क्लासेस। थैंक यू।